तो आज मैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड में एक ऐसा चीज करने वाला हूँ जिससे मेरे को वर्ल्ड का सबसे खतरनाक आर्मर मिलेगा। और ये वाला आर्मर इतना ज्यादा खतरनाक है कि कुछ साल पहले माइनक्राफ्ट ने खुद ही इसको बैन कर दिया है। और अभी तो इस आर्मर को क्राफ्ट करना ही इलीगल है माइनक्राफ्ट में, क्योंकि इस आर्मर में सारे किस्म के इंचेंट्स लगे हुए होंगे। तो उतने सारे इंचेंट्स को लगाने के लिए मेरे को कलेक्ट करने होंगे बहुत सारे एक्सपी, और फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ 41 है। मैं गरीब हूँ। तो चलो फटाफट से एंड में चलते हैं अपने एक्सपी फार्म में। और ये रहा मेरा एक्सपी फार्म। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए सिद्धार्थ आ गया है मेरा हेल्प करने के लिए। भाई कैसा उल्लू का पट्टा है सिद्धार्थ, मार ही नहीं रहा इनको। भाई तू किसको मार रहा है भाई? और उससे भी बड़ा उल्लू का पट्टा तो मैं हूँ भाई। मेरे को पहले इंचेंटेड बुक्स को खरीदने थे, ना कि इधर पे आना। तो मेरे को प्रोटेक्शन वाले सारे इंचेंटेड बुक्स खरीदने हैं, और उन बुक्स को खरीदने के लिए मेरे को एमरल्ड्स भी तो चाहिए। तो उन एमरल्ड्स को लेने के लिए ना मेरे को अपने रेड फार्म में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इधर के चेस्ट में मेरे को मिलेंगे बहुत सारे एमरल्ड्स, और फिर चलो इधर से लेट्स गो। तो ना मैं ये पास वाले स्ट्रांग होल्ड के विलेज में ही जाऊंगा, इधर पे ही ना बहुत सारे लेक्टन वाले विलेजेस बना लेता हूँ। ओ ऑलरेडी एक तो हेलो। ओ नाइस, मैं इनसे बुक सेल्स खरीद सकता हूँ। तू क्या कर रहा है इधर पे? ये ले, तू मेरे को दे बहुत सारे बुक सेल्स, और फिर मैं तेरे घर को थोड़ा सा तोड़ूंगा। और मेरे को चाहिए बहुत सारे स्लैब्स, और फाइनली मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारे लेक्टन को। फॉर्चून दे रहा है भाई, एफिशिएंसी 5, भाई कितने अच्छे अच्छे इंसेंट्स दे रहा है ये बंदा। ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3, ओके। वैसे इसी को खरीद के इनको कंबाइन करके मैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 बना सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत पैसे है मेरे पास। पहले ना मैं इससे कुछ बुक सेल्स खरीद लेता हूँ, और फिर इन बुक सेल्स को तोड़ के मेरे को बुक्स मिलेंगे। और इन बुक्स और एमरल्ड से खरीद लेता हूँ कुछ ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3, और इन दोनों से बनेगा एक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4। कि मेरे पास चारों ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाले बुक्स हो गए। और इधर भी मेरे को एक और विलेजर दिख रहा है, तो इसको भी एक लाइब्रेरियन बना लेता हूँ। तो ये मेरे को दे रहा है डेफ स्टेडर 2, और मेरे को ये भी चाहिए, तो इसको भी ले लेता हूँ। और मेरे को और विलेजर चाहिए अब। इधर भी एक और है, बट ये नल्ला वाला है, इसका कोई काम नहीं है यार। हाय, ओ दो दो इधर पे, नाइस। आजा 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 आजा, तेरे लिए मेरे पास काम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ये करने से क्या होगा उसे? हाँ अंदर भागेंगे, नाइस। अंदर जा भाई, इससे क्या? ओ ट्रैप डोर से अंदर नहीं जा रहे थे। जा 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 भाई, पागल फिर से बाहर ही। अरे भाई ये क्यों आ गया? तू बाहर जा ना प्लीज। वो भी चला गया, नहीं। ओह वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है शायद। भाग 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 भाग, अंदर चले जा भाई। हाँ नाइस, और फिर मैं जल्दी से इसको सारे एक ही जगह पे मत आओ। हाँ भाई तू ही भाग ले। अच्छा 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 अच्छा, नाइस भाई। ये अच्छा बुक दे ही नहीं रहा है। ओ शिट सॉरी, गलती से भाई, तेरा ही गलती था, मेरे को मारना नहीं था भाई, तू ही ऊपर से आ गया भाई। अब तो अच्छा दे प्लीज। ओह यस फाइनली फायर प्रोटेक्शन 4। ओके तो ये वाला भी हो गया, और अब मेरे को फिर से एक नया विलेजर चाहिए। आजा बेटा। हाँ नाइस। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा, है मत जा ना भाई, पागल फालतू आदमी है भाई। इससे अच्छा ना मैं एक और विलेजर ढूंढ लेता हूँ भाई, एक ही विलेजर बाकी, और वो भी नखरे दिखाता है इतना सारा। वो इधर ही तो है एक और विलेज, चलो इसी साबाना विलेज में चल के करते है कुछ। ये ले 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 ना भाई, तकलीफ क्या है लाइब्रेरियन बनने में? किधर जा रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? ओ ये 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 देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, और ये अब तो बन। हाँ नाइस, ये अब वही बनेगा जो मैं इसको बनाना चाहता हूँ। आजा प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भाई, एक ही बार में दे दिया। एक दो, ओ मेरे पास बुक्स ही खत्म हो गए, सैड। चलो मेरे को बुक्स चाहिए। इधर तुम लोग, ओ इधर है ना बुक्स, नाइस। हेलो मैं आ गया, और 4 लेट्स गो। मेरा प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी हो गया। तो ये हो गया मेरा ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, लेट्स गो। तो अभी ना मैं फटाफट से वापस चलता हूँ, मेरे को लग रहा है कि शायद प्रोटेक्शन वाला विलेजर ना मेरे ही घर में है। ओके फेदर फॉलिंग करता है सेल, ये फ्रोस्ट वोकर करता है सेल, और ये करता है भाई प्रोटेक्शन, नहीं है क्या? ये सब भी मेरे को वैसे चाहिए, तो सबको खरीद लेता हूँ। और इसके साथ साथ मेरा फेदर फॉलिंग, अनब्रेकिंग और फ्रोस्ट वोकर वाले बुक्स भी मेरे पास हो गए। एक और विलेजर था, एक अच्छा वाला, पता नहीं उसका इंसेंट क्या है, बट मेरे घर में भी एक अच्छा विलेजर रहता है। और तू क्या देता है? शार्पनेस देता है, मतलब मेरे पास प्रोटेक्शन वाला विलेजर ही नहीं है क्या? प्लीज तू प्रोटेक्शन दे प्लीज प्लीज प्लीज। मेंडिंग देता है, वैसे ये भी ठीक है। तो शायद प्रोटेक्शन के लिए मेरे को नया विलेजर ही बनाना पड़ेगा। चलो इस वाले विलेज में चलता हूँ यार। ओके फाइनली,
आ सॉरी। आ भाई 2 बार मार दिया मैंने इसको, देना जल्दी वरना मर जाएगा। ओह यस प्रोटेक्शन 3 बट देखो प्राइस भाई, मैंने दो दो बार मार दिया था इसको। लेट्स गो, प्रोटेक्शन भी हो गया। अब बस मेरे को एक अफिनिटी और रेस्पिरेशन चाहिए। थॉर्न्स नहीं, एक अफिनिटी। एक अफिनिटी मिला था भाई, मैं पागल हूँ भाई, एक अफिनिटी मिला था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको भाई, मैं पागल हूँ भाई, कितना बड़ा पागल हूँ मैं। दुनिया भर के सारे रिस्पिरेशन, मैं बोलने ही वाला था, दुनिया भर के सारे बुक्स मिल रहे, तो अब बस मेरे को एक को एफिनिटी चाहिए, बाकी सारे हो गए। ओ सोल स्पीड भी चाहिए वैसे। ओके मेरे को वाइब्स आ रहा है गाइस, जल्दी मिलेगा इधर पे मेरे को एक एफिनिटी। ओ माय गॉड भाई, मेरा वर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके गाइस सभी बुक्स हो गए मेरे पास, बस एक सोल स्पीड चाहिए जो कि मैं ट्रेड करके फटाफट से ले लेता हूँ पिगलिन से। चलो शुगर कैन भी थोड़ा सा तो बड़े हो गए, और मेरे पास गन पाउडर भी नहीं है भाई साहब। ये रहा मेरा गन पाउडर फार्म, हो गए होंगे अब तक बहुत सारे गन पाउडर। ओए मेरा टोटेम, इतने सारे गन पाउडर हो गए मेरे पास, और मैं फ्लाइट ड्यूरेशन 2 वाला ही रॉकेट्स बनाता हूँ क्योंकि मेरे को यही ज्यादा पसंद है। अब चलो नेदर में फुल स्पीड लेने के लिए, लेट्स गो। गोल्ड फार्म में जाके ना थोड़ा सा मेरे को गोल्ड भी इकट्ठा करना है ताकि मैं उसको ट्रेड कर सकूँ फुल स्पीड 3 के लिए। इतने सारे पड़े हुए हैं, लेट्स गो। ओके ऑलमोस्ट 3 स्टैक हो गया, तो इतना गोल्ड से शायद मिलना तो चाहिए, और अब मेरे को सिर्फ इधर ही है तू, मेरे को तू ही चाहिए था। तो मैं आधा स्टैक दूंगा भाई, किधर चले जा रहा है। वाह भाई, भाई साहब गोल्ड लेके ओवरवर्ल्ड में चले गए। मत मारना मत मारना, को ना मैं ये कर देता हूँ ये। गलती से। हेलो, ओह बहुत सारे इधर पे, और इनको सब दे दूंगा मैं। नाइस हो गया काम भाई। मेरे को ना एक पिगलिन का बार्टरिंग फार्म भी शायद बनाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है इनसे ट्रेड करने को। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बार्टरिंग फार्म इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट, 1 मिलियन व्यू, 1 लाख भी नहीं आते भाई। ओए ये लोग सोल स्पीड वाला बुक देते हैं या जूते देते हैं? ओह शिट सॉरी भाई, मैं तो भूल गया, ये लोग तो सिर्फ जूते देते हैं सोल स्पीड वाला, मैं कितना बड़ा पागल आदमी हूँ। ओह बेस्टियन में तो मिलता ही है ना, चलो बेस्टियन चलते, बेस्टियन में मिलता है मेरे को पता है भाई। इतने सारे क्यों है, माय गॉड भाई क्या हो गया अभी अभी। टेम टू टेम। फुल स्पीड 3 मिलना इतना मुश्किल कब से होने लगा। ओह ये बेस्टियन, और इधर पे तो भाई वो लोग होते हैं ना काले काले, मारेंगे वो लोग बहुत। वाह यही भाई साहब, ये ले भाई, ये इतना खतरनाक होता है ना बंदा, देखो मरता ही नहीं। ओह माय गॉड, दो दो है। ओह माय गॉड, और इसमें भी नहीं है सोल स्पीड, शायद उस चेस्ट में होगा, वो सिंगल चेस्ट में। इसमें भी नहीं है, ओ आ गया ये भाई, बहुत डर लगता है इससे सच्ची में। 2 ही मिला मेरे को, 3 चाहिए। लावा भी कैरी कर लेता हूँ भाई, ये देखो लावा का काम यही है। नहीं ये नहीं ये काम। ओह एक और बेस्टियन, चलो भाई इधर मिल सकता है सोल स्पीड। तेरी भाग भाई साहब, मेरे को लावा चाहिए। मिल गया भाई, लावा ऐसे कौन लेता है भाई। अब इनको दिखाता हूँ, ये ले। ओ इधर हो तुम लोग, तो अब इधर पे मेरे को सोल स्पीड मिलेगा। 1 मिला भाई, 2 चाहिए था मेरे को ताकि मैं कंबाइन कर सकूं उनको। ओह यस सोल स्पीड 3 मिल गया डायरेक्टली, लेट्स गो। सारे बुक्स हो चुके मेरे पास भाई, तू इधर तक आ गया, मारते मार इसको, मार। यस नाइस, और देखो ये क्या बन गया। और अब बस मेरे को इन सारे बुक्स को कंबाइन करना है अपने एक्सपी फार्म में जाके,
और अब मेरा इलीगल और गॉड लेवल का आर्मर बनाने से पहले सिर्फ एक ही स्टेप बचता है, जो कि अपना एक्सपी लेवल को 500 तक लेकर जाना। और ये मेरा वाला एक्सपी फार्म में मैं एफके भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सिद्धार्थ को स्पॉन किया और उसको अपना स्वॉर्ड दे दिया। और ये देखो सिद्धार्थ फाइनली एंडरमैन को मार रहा है और ये सारा एक्सपी उसको और मेरे को मिल रहा है, तो मैं इधर पे आराम से एफके कर सकता हूँ और धीरे धीरे करके मेरा एक्सपी भी 500 हो जाएगा। लगता है मेरे को एक बीकन बनाना पड़ेगा। तो इधर किधर तो मेरा बीकन, ओ ये रहा मेरा बीकन। तो इधर पे इस चेस्ट में है बहुत सारे आयरन, और अब इधर पे फटाफट से एक मैक्स्ड आउट बीकन बना लेता हूँ। और अब इधर पे मेरे को रीजनरेशन वाला इफेक्ट को एक्टिवेट करना है कुछ इस तरह से। और अब सिद्धार्थ भूख से तो नहीं मरने वाला। भाई मेरे को क्यों मार रहा है पागल आदमी, इसके लिए इतना कुछ किया मैं और मेरे को ही मार रहा है। ओके, तो फाइनली अब मेरा एक्सपी भी 500 हो गया है और अब सब कुछ हो चुका। वेट, मेरा स्वॉर्ड किधर है सिद्धार्थ? भाई सिद्धार्थ ने शायद मेरा स्वॉर्ड ही तोड़ दिया, बट चलो कोई बात नहीं, बाद में एक नया स्वॉर्ड बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए इस एन्चेंटमेंट सेटअप को इधर से उठा लेता हूँ। और अब ना गाइस, मैं इस वाले माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को 1.14.2 वाले माइनक्राफ्ट वर्जन में लोड करने वाला हूँ, क्योंकि उस वाले वर्जन में ना हम फायर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, नॉर्मल प्रोटेक्शन सबको एक ही आर्मर सेट पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं उस वाले वर्जन में जाऊंगा, सारे एन्चेंट्स करूंगा और फिर इस वर्जन में वापस लोड के आऊंगा। तो ये करने से मेरे पास एक गॉड लेवल का आर्मर बन जाएगा जिसमें सारे किस्म के प्रोटेक्शन लगे होंगे। बट प्रॉब्लम भी हो सकता है, उस वाले वर्जन में ना नेदरराइट आया ही नहीं था, तो मैं अपने नेदरराइट के सामान को उधर पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं उनको लेकर जाऊंगा तो उधर पे वो सामान लोड ही नहीं होंगे। इसलिए ना मेरे को अपने सारे नेदरराइट वाले सामान को ना इधर पे ही रखना पड़ेगा। तो ये सबको उतारना पड़ेगा मेरे को और इन सबको इधर पे रख देता हूँ। और मेरे पास कोई भी आर्मर ही नहीं है, तो मेरे को ना फटाफट से एक नया डायमंड का आर्मर सेट बनाना पड़ेगा। और बिना आर्मर का मैं बहुत ही जल्दी मर सकता हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ही केयरफुली ट्रैवल करना पड़ेगा। और होपफुली मेरे पास कुछ डायमंड्स होंगे जिससे मैं अपना आर्मर बना सकूं। ओर्स, आयरन, डायमंड्स। ओ डायमंड्स तो नहीं है, बट मेरे पास आर्मर का सेट है, इससे भी काम चल जाएगा। तो मेरे पास हेलमेट हो गया, चड्डी हो गया, एक बूट भी हो गया, बस एक चेस्ट प्लेट चाहिए। और ये रहा चेस्ट प्लेट। ओ भाई अच्छे इंचेंट्स है इसके अंदर। तो इस एक्स को भी ले लेता हूँ और कुछ टोटेम को भी ले लेता हूँ और इस आर्मर सेट को पहन भी लेता हूँ। कुछ वुड भी चाहिए मेरे को बुक शेल्फ बनाने के लिए। और ये बन गए मेरे बुक सेल्फ। और इससे खरीद लेता हूँ एक सिल्क टच वाला इंचेंटेड बुक। और ये बन गया मेरा सिल्क टच वाला पिकैक्स। और अब मेरे को इस वाली जगह से बहुत ज्यादा दूर चले जाना है, तो नेदर से ट्रैवल करते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाऊँ। ओके, मैं नेदर रूफ में आ गया हूँ, अभी बस मेरे को ट्रैवल करना है बहुत ज्यादा दूर। ओके, तो इतना डिस्टेंस शायद इनफ है, तो फटाफट से नीचे पे चले जाता हूँ और इधर पे एक नेदर पोर्टल बना के ओवरऑल में चले जाते हैं। लेट्स गो। तो ये बन गया मेरा नेदर पोर्टल और लेट्स गो टू द ओवर वर्ल्ड। तो अब ना गाइस, मेरे को इधर पे अपने चंक बॉर्डर को लोड करना है और इस चंक से ना मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। हाँ, ये आईलैंड शायद सही रहेगा। तो ओके, मैं इस बारे भाई कितना ज्यादा हिल चला गया। और अब मैं फाइनली रेडी हूँ गाइस उस वाले वर्जन में इस वर्ल्ड को लोड करने के लिए। और भाई कुछ भी हो सकता है, मैं इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए खो सकता हूँ। तो भाई बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें, बट रिस्क है तभी तो इश्क है। तो चलो भाई, तुम लोगों से मैं मिलता हूँ उस वाले वर्जन के वर्ल्ड में, लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं 1.14.2 वाले वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ, अब बस मेरे को इसको लूट करना है, देखते क्या होता है। भाई मेरे को डर लग रहा है, प्लीज 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 कुछ ना हो। नहीं 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 नहीं, वो बच गया। किधर स्पन हो गया था मैं? तो चलो ऊपर चलो भाई। ओ इधर ही हूँ मैं, इतना वियर्ड चंक में स्पन हो गया हूँ मैं इधर पे। और डे तो रिसेट नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। चलो इधर पे थोड़ा सा स्मूथ करते इस सरफेस को और फिर इधर पे ना अपना इंचेंटमेंट सेटअप को रख देता हूँ। ये बहुत पुराना माइनक्राफ्ट है यार, जब ये माइनक्राफ्ट लॉन्च हुआ था तब तो मेरे को माइनक्राफ्ट के बारे में पता भी नहीं था, उतना पुराना ये वाला माइनक्राफ्ट। और लेट्स गो, बन गया भाई इंचेंटमेंट सेटअप। तो चलो पहले अपने आर्मर को डिसइंचेंट कर लेता हूँ। और अब मेरे को अपने पूरे आर्मर को एक एक करके इंचेंट करना है। और इस वाले माइनक्राफ्ट के वर्जन के अंदर सारे किस्म के प्रोटेक्शन एक ही आर्मर के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन दोनों है। तो मेरे को इधर पे आराम से बैठ के अपने पूरे आर्मर में सारे किस्म के इंचेंट्स को लगाना है। और जो इंचेंट्स मेरे को इंचेंटमेंट टेबल से नहीं मिलेगा वो सारे मैं इन बुक से लगा सकता हूँ। तो चलो मैं फटाफट से अपने पूरे आर्मर में मैक्स आउट इंचेंटमेंट लगाता हूँ और फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। अल्टीमेट लेगिंग्स। और अब फाइनल एक जूता बाकी है, ये बन गया मेरा अल्टीमेट जूता। ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, साथ साथ मेंडिंग एक्वाफिनिटी रेस्पिरेशन 3। और इसमें देखो
मतलब कि भाई दुनिया के सारे इंसेंट्स इनके अंदर, इन सब में मैं थॉन्स भी शायद ऐड कर सकता हूँ पता नहीं, बट मेरे को ना थॉन्स ऐड करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि थॉन्स की वजह से बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं कभी कभी फार्म्स वगैरह बनाते वक्त, तो इसीलिए मैंने थॉन्स ऐड नहीं किया। बाकी सारे इंसेंट से इसमें मैं शायद सोल स्पीड भी ऐड करूंगा वापिस 90.2 में जाके। मेरे पास गॉड आर्मर बन गया है, अब बस एक काम बाकी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसी से पता चलेगा कि मेरा ये सारा मेहनत वर्थ इट था या फिर नहीं। और ये काम है इस वर्ल्ड को वापस अपने 19.2 वाले वर्ल्ड में लोड करना, और अगर ये वर्ल्ड सक्सेसफुली उधर पे लोड हुआ तो मेरा ये सारा मेहनत वर्थ इट हो जाएगा। तो फटाफट से इधर के सारे सामान को उठा लेता हूँ और चलो 19.2 में इस वर्ल्ड को लोड करते हैं, लेट्स गो। और ये अपना वर्ल्ड लोड हो रहा है 19.2 वाले वर्जन में। ओके, तो मेरा वर्ल्ड तो सक्सेसफुली लोड हो गया है। और ये देखो सारे के सारे इंसेंट्स अभी भी मेरे आर्मर में लगे हुए हैं। और ये है माइनक्राफ्ट वर्जन 1.19.2, और इस माइनक्राफ्ट वर्जन में ये सब इंसेंट्स को अपने आर्मर पे लगा पाना इलीगल है। और ये देखो भाई मैं अपने बेस से कितना ज्यादा दूर हूँ, तो अब बस मेरे को एक चीज चेक करना है, क्या मेरे ये इलीगल हरकत से मेरे बिल्डिंग्स और मेरे वर्ल्ड में भी कुछ फर्क आ गया या फिर ये पहले जैसे ही है। तो चलो फटाफट से वापिस चलता हूँ अपने बेस में। अगर मेरा पूरा वर्ल्ड खराब हो गया है तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये रहा मेरा स्ट्रॉन्गहोल्ड वाला पोर्टल, तो उधर पे मैंने अपने सोल स्पीड 3 वाला बुक को रखा है, तो पहले उधर जाके अपने बूट्स में सोल स्पीड 3 भी लगा लेता हूँ। और ये बन गया मेरा गॉड लेवल का डायमंड का बूट। और अब मेरे को वापस अपने मेन वर्ल्ड पे जाना है, अपने बेस पे जाना है और देखना है कि मेरा पूरा बेस करप्ट हो गया या फिर नहीं। वेट, मेरा स्पॉन चौंक में पानी तो नहीं था इसका मतलब। और ये पहाड़ को देखो, ये भी कुछ अजीब लग रहा है, क्या मैंने ये सब हरकत करके अपने वर्ल्ड को करप्ट कर दिया भाई प्लीज। ओ मेरा ताजमहल तो मेरे को सही सलामत दिख रहा है, और ये रहा मेरा फ्रॉक सिटी, और मेरा विलेज भी एकदम सही है, मतलब कि भाई मेरा वर्ल्ड में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अब मेरे पास इतना खतरनाक आर्मर हो गया है कि अब मेरे को कोई भी नहीं मार सकता। तू क्या मारे, ओए ओए ओए।